अपना पूरा परिचय दे दीजिए और आपके साथ क्या घटना हुई है ये बताइए। तो मेरा नाम प्रकाश है, मैं वाराणसी आता हूँ, लखनऊ व्यापार समिति में मतलब आता हूँ चौक में माल बेचने। मैं चौक में माल बेच के बाकी जो माल बचे वो वापस लेके अब चौक से निकला ऑटो द्वारा अलहबाग के लिए। अलहबाग में पहुँचा और अल्पो बस में मैंने अपना लगेज रखा, सामान मतलब रखा अपना चांदी का माल कर। कितना सामान था? 18 किलो करीब जेवर थे और 10 किलो फाइन चांदी थे, तकरीबन 20 लाख के आसपास का माल था वो। तो मैं रख के पानी में उतरा, उसी बीच तो चप्पू ने मेरा बैग चुरा लिया, जितने थे वो करीब 6 की संख्या में थे, जितने तक थे मैंने 2 को दबा के पकड़ लिया और बाकी 4 भागने में सफल रहे। तो 2 लोगों से कुछ बरामदी हुई है? आज आप लोग आलमबाग थाने आए, दो लोगों से कुछ बरामदी नहीं हुई है, बैग में 4 वो जो भाग गए उनके पास था। 2 को आपने पकड़ा था, उसके बाद कोई भी अन्य पकड़े गए? 2 को मैंने पकड़ा था, फिर रात में ही चौकी इंचार्ज ने दबी डाली कई जगह, तो उन्होंने कल रात से आज से दोपहर तक 2 को और पकड़ लिया है, लेकिन माल अभी तक कोई बरामदी नहीं हुई है। पुलिस का क्या कहना है इसमें अब तक? पुलिस का कहना कि पुलिस कह रही है मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप चिंता की आपका माल बरामद होगा, लेकिन मेरी माल अभी तक बरामद नहीं, मैं चाहता हूँ पुलिस जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, मेरे माल को बरामद कीजिए। ठीक है, ये अपना पूरा परिचय। विनोद महेश्वरी, महामंत्री चौक सराफा ईश्वरी। चूँकि व्यापारी हमारे यहाँ पूरा लगातार आ रहा था और उसने माल देता रहता था, लेकिन अब चूँकि हम लोग सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं इन लोग की, बाहर से आने वाले व्यापारियों की, इसी तहत कल घटना इसके साथ हुई और 10 किलो चांदी थी और 18 किलो जेवर था, कुल मिला के 20 लाख के आसपास सामान था, लेकिन अभी तक दो आदमी पुलिस ने पकड़ने के बाद माल बरामद नहीं कर पाई और हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसकी रिकवरी हो। और पुलिस को हम लोगों ने समय दिया बुधवार की रात का, अगर बुधवार तक ये माल बरामद नहीं कर पाते हैं तो हम लोग को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।